स्लीप हाइजीन क्या होता है और क्वालिटी स्लीप का इंपॉर्टेंस क्या है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समीर अर्बट, वन हेल्थ केयर नागपुर इंडिया से। जैसे ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रेशन के लिए पानी जरूरी होता है, वैसे ही आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए स्लीप बहुत जरूरी होता है। एक अच्छी नींद आपके बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, और एक डिस्टर्ब स्लीप आपकी लर्निंग, मेमोरी स्किल्स और इमोशंस को इम्बैलेंस कर सकती है। स्लीप हाइजीन में सबसे जरूरी होता है एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल। कोशिश कीजिए कि आपके सोने का और उठने का टाइम वीकडेज और वीकेंड्स पे सेम रहे। रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाइए, जिसके लिए आप जेंटल स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं और लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। सोने से एक घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करना बहुत जरूरी है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ब्लू लाइट एमिट होता है, जो आपके बॉडी के मेलेटोनिन लेवल्स को डिप करता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने में और डिले होता है। हफ्ते में 3 बार 30 मिनट के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। कैफीन इनटेक को लिमिट करना बहुत जरूरी है। कैफीन आपके बॉडी को 2 से 7 घंटों तक स्टिमुलेट कर सकता है, ऑल्दो लोगों में कैफीन टॉलरेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सोने से पहले वाइंडिंग डाउन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बेड पे ऑफिस वर्क, टेलीफोन कॉल्स या टीवी व्यूइंग करते हैं, तो इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। अपनी डे टाइम नैपिंग को लिमिट करना है। अगर बहुत जरूरी हो तो आप दिन में 30 मिनट के लिए सो सकते हैं। सोने से पहले आपके मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आपके माइंड को काम करने में हेल्प करता है। अगर आप या आपके फैमिली में कोई लाउड स्नोरिंग, नींद में सांस रुकना, दिन में ज्यादा नींद आना, एक्सेसिव वेट गेन या लैक ऑफ कंसंट्रेशन से सफर कर रहा है, तो आपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप आपके पर्सनल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, फूड हाइजीन के साथ स्लीप हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे।